Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोने में 50 रुपए की तेजी, चांदी 600 रुपए फिसली। शेयर बाजार में फिर आने लगी रौनक, सेंसेक्स 283 अंक चढ़ा। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 50 रुपए की तेजी के साथ 61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। सोने का भाव पिछले कारोबारी सत्र में 61,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा कि शुक्रवार को सोने की कीमतों में थोड़ी तेजी रही, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 50 रुपए अधिक है। रेमंड समो ने अपने मौजूदा इंजीनियरिंग कारोबार को और मजबूत करने के लिए 682 करोड़ रुपए में मैनी प्रिसिजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 59.25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। मैनी प्रिसिजन की एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन तथा रक्षा क्षेत्र में उपस्थिति है। अधिग्रहण को ऋण तथा आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कंपनी के अनुसार यह अधिग्रहण एक पूरक व्यवसाय के साथ रेमंड के मौजूदा इंजीनियरिंग व्यवसाय को और मजबूत करने का रणनीतिक कदम है। IT सॉल्यूशंस प्रदाता रॉक्स हाईटेक लिमिटेड का 54 करोड़ रुपए का सार्वजनिक निगम यानी IPO 7 नवंबर को खुलेगा और 9 नवंबर को बंद होगा। कंपनी के शेयर NSE इमर्ज पर लिस्ट होंगे। IPO के तहत कंपनी अपनी 10 रुपए संभाव वाले 65,64,800 इक्विटी शेयर बेचेगी। मूल्य दायरा 80 से 83 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। रॉक्स हाईटेक के प्रबंध निदेशक जिम राकेश ने कहा कि हमें विश्वास है कि IPO से प्राप्त धनराशि का उपयोग हम अपना कारोबार बढ़ाने में करेंगे। IPO की प्रबंधक स्वराज शेयर्स के निदेशक पंकिता पटेल ने कहा कि हम चेन्नई स्थित रॉक्स हाईटेक के आशाजनक भविष्य के बारे में उत्साहित है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान रॉक्स ने 134 करोड़ की आय पर 15.33 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। सार्वजनिक क्षेत्र की मॉल लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष में अप्रैल अक्टूबर तक मैग्नीज आयस उत्पादन 45% बढ़कर 9.26 लाख टन रहा। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। कंपनी ने पिछले साल समान अवधि में 6.38 लाख टन मैग्नीज आयस का उत्पादन किया था। अक्टूबर में उत्पादन सालाना आधार पर 48% बढ़कर 1.11 लाख टन रहा, जो पिछले साल अक्टूबर में 0.75 लाख टन था। अप्रैल अक्टूबर 2023 के दौरान संचयी बिक्री 57% उछाल के साथ 8.44 लाख टन रही है, जो पिछले वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में 5.37 लाख टन रही थी। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मॉइल लिमिटेड से देश में डाइऑक्साइड आयस की कुल आवश्यकता का लगभग 46% पूरा होता है। स्थानीय शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और BSE सेंसेक्स 283 अंक लाभ पे रहा। तेज शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 282.88 अंक यानी 0.44% चढ़कर 64,363.78 पर बंद हुआ है। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझानों के बीच घरेलू बाजार लाभ में रहे। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 97.35 अंक यानी 0.51% बढ़कर 19,230.60 पर बंद हुआ। मजबूत वैश्विक संकेतों, प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के बेहतर रहने और घरेलू कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों से आशावाद को बढ़ावा मिला है। ऐसे संकेत है कि फेडरल रिजर्व भविष्य में दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा। इसके अलावा तेल कीमतों में कुछ गिरावट से भी उम्मीद पड़ी है। मिड कैप में 224 अंकों की तेजी आई, जबकि स्मॉल कैप 349 अंक उछलकर 37,590 अंक हो गया। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, हांगकांग का हैंगसिंग और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़कर बंद हुए हैं। यूरोपीय बाजार में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था। शुक्रवार को भी अमेरिकी बाजारों में तेजी रही और डो जोन्स 270 अंक बढ़कर 34,100 अंक के पार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोने में 50 रुपए की तेजी, चांदी 600 रुपए फिसली। शेयर बाजार में फिर आने लगी रौनक, सेंसेक्स 283 अंक चढ़ा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।